हाँ बेटा, अज आप करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर के सब तो पहले आप करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी वो वस्तु जिहड़ी मिनी जा सकती है, जिन्होंने आप माप सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिन्होंने आप मेजर कर सकते हैं, एंड एक्सप्रैस इन द फॉर्म ऑफ लॉज, जिन्होंने अलग अलग नियम है, जिम्मे न्यूटन के नियम से, ग्रेविटेशन के नियम है, बखरे तौर पर करा उन्होंने एक्सप्रैस हो सकती हैं, वो सारे होंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तो बाद अपने को फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी आप गल की फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी अगे फिर दो तरह की होंगी है, फंडामेंटल क्वांटिटी तो ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होंगी है जिन्होंने एक्सप्रैस करने वास्ते किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी की लोड़ नहीं होंगी, वो अपने आप ही आप पूरियां कह सकते हैं। जिस तरह हो गया मास, पुंज कहने पंजाबी आप लेंथ लंबाई होगी, टाइम समा हो गया, जो तापमान हो गया, इन्हों किसी होर की जरूरत है नहीं गी। मास लेंथ टाइम एटसेट्रा ये सारिया क्वांटिटी एक ही है, इन्हों कहने आप फंडामेंटल क्वांटिटी या इन्हों बेस क्वांटिटी भी कह देते हैं। अगे हमें ड्राइव क्वांटिटी, जिस तरह इन्हें नाम तो पता लगता है डिराइव की गई ड्राइव क्वांटिटी, वो क्वांटिटीज होंगे जिहड़ियां फंडामेंटल क्वांटिटी तो बनाई जांदियां, जां फंडामेंटल क्वांटिटी इनवॉल्व होंगे जिन्हां दे विच। फॉर एग्जाम्पल स्पीड एरिया, हुण स्पीड अपने को स्पीड की है ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड एक्सप्रेस होंगी है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस लेंथ है, टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटी समा है गया, तो ये डिस्टेंस के टाइम की लोड़ पई इन स्पीड वास्ते अपन, तो फिर स्पीड की ड्राइव क्वांटिटी है एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, जब आप सर्कल का एरिए पाई आर स्केयर कह देंगे उत्ते आर की पावर दो है, यानी कि लंबाई गुणा लंबाई, यानी कि इतने लंबाई में लंबाई ना गुणा होया, फिर बनी है अपने को एरिया। तो ये एरिया फिर की है ड्राइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि लंबाई में लंबाई ना गुणा करके आया है। इस तरह होर बहुत सारी क्वांटिटीज है, वॉल्यूम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, या फोर्स हो गया, जिहड़ियां की है डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगे आता अपने को टर्म मेजरमेंट। मेजरमेंट की है असल से, मेजरमेंट की है कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड यूजिंग ऑफ सेम काइंड, उसे जे लंबाई मिलनी है तो लंबाई दी स्टैंडर्ड, जे मास मेजर करना है तो मास वास्ते उस किस्म का यूनिट, तो वो जो स्टैंडर्ड यूजन अपने को कंपैरिजन। मेजरमेंट की है कंपैरिजन, किसी फिजिकल क्वांटिटी जो आप किसी यूनिट के नाल कंपेयर करते हैं, जिन्हें आप मीटर में मिलना हो, आप मीटर के नाल लंबाई मिलते हैं तो वो इस कंपेयर कर रहे होंगे, वो की होंगे मेजरमेंट। तो जिरा स्टैंडर्ड चूज किया अपना जिस मिल रहे हैं, जो मास मेजर करिए एक पास आप जी अपनी तकड़ी है फिजिकल बैलेंस है, एक पास आप जिन्हों आप जिदा मास मेजर करना वो पाने हैं, तो दूसरे पास आप वेट पाने मास किलोग्राम के अद्धा किलोग्राम के आप वट्टे पाने हैं, तो वह अपने को किलोग्राम है जरा स्टैंडर्ड चूज है, इधर अपने को मास है, तो यह अपने को होंगे मेजरमेंट। तो जो स्टैंडर्ड यूज किया वह यूनिट है, तो कंपैरिजन है जो असल में वो की है मेजरमेंट है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उन्होंने आप इस तरह ले सकते हैं क्यू बराबर है एन इन टू यू, क्यू बराबर है एन इन टू यू, क्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये बराबर है एन की है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यू की है यूनिट। जे मैं कहना 5 किलो खंड, तो यह मतलब 5 की है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो किलोग्राम जिन्होंने आप 5 किलोग्राम किया है, किलोग्राम की यूनिट। जे मैं कहना 5 मीटर या 100 मीटर कपड़ा, जो 10 मीटर कपड़ा, इतने 5 10 100 की है न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर जो मैं वरत रहा वो यूनिट है। जो आप किसी क्वांटिटी अलग अलग यूनिट मिलते हैं, क्वांटिटी नहीं बदलती, क्वांटिटी सेम रही है, पर एन ते यू का मुल बदल है। जिमें आप कह दीए 1 मीटर कपड़ा अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू कि है 1 है, यूनिट की अपने को मीटर। जे मैं कहना 100 सेंटीमीटर कपड़ा, हम न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है तो यूनिट की अपने को सेंटीमीटर, तो वैल्यू क्वांटिटी सेम रही है। तो फिर आप इस तरह भी ले सकते हैं क्यू बराबर N1 U1 बराबर N2 U2, इस रिलेशन की अपन अगर लोड़ पैनी है। अगे आता अपने को यूनिट मेजरमेंट वास्ते आप स्टैंडर्ड यूजिंग ऑफ सेम काइंड, तो जो स्टैंडर्ड यूजिंग ऑफ सेम काइंड की है वो की है यूनिट, उन्होंने आप यूनिट कहने हैं। यूनिट फिर अगर दो तरह के होंगे,
फंडामेंटल यूनिट है ते ड्राइव यूनिट। जेडे फंडामेंटल यूनिट है वो यूनिट होंगी है जेडे फंडामेंटल क्वांटिटी मिलन वास्ते मेयर करने वास्ते अपना वरतने हैं। द यूनिट विच आर यूज फॉर द मेयरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। जिन्हें आप कह दिए मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सैकेंड, ये सारे फंडामेंटल यूनिट है। अगर आ गया डिराइव्ड यूनिट, वही गल जिहड़े यूनिट ड्राइव्ड क्वांटिटी नूं मेयर करन वास्ते या मिलन वास्ते कम आउंदे आ, मापन वास्ते कम आउंदे हैगे आ, उहनां नूं आपां कहिंदे आ ड्राइव्ड यूनिट। जिवें आपां कहा सी स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम, मीटर बटे सैकेंड लिखिए, तो यह स्पीड का यूनिट की है मीटर पर सैकेंड, या मीटर पर सैकेंड। एरिया की यूनिट है मीटर गुणा मीटर, तो मीटर स्पीयर, तो फिर ये देखो मीटर नूं मीटर नूं गुणा करके है ये ड्राइव्ड यूनिट है। अगे आ गया अपने मुझे सिस्टम ऑफ यूनिट। हुण आपां दो तरह के यूनिट किए हैं, फंडामेंटल यूनिट तो ड्राइव्ड यूनिट। जे आप इकट्ठे इन्हों काउंट करिए, कंबाइन कर दिए पूरे दोनों रला दिए, तो अपने को बनता है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जी सिस्टम ऑफ यूनिट अपने को है कि होंगे सी जी एस, एम पी एस, एफ पी एस, एस ए। सी जी एस ये लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होंगे, मास का यूनिट ग्राम होंगे, तो टाइम का सैकेंड। एम पी एस लेंथ वास्ते मीटर, मास वास्ते के का मतलब किलोग्राम, तो एस वास्ते सैकेंड, ये टाइम का यूनिट। एफ पी एस लेंथ वास्ते फुट, मास वास्ते पी का मतलब पाउंड, तो टाइम वास्ते सैकेंड। आ जिहड़ा एस ही है इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं। तो यह की है एस आई सिस्टम जिहड़ा कि मेनली यूज होंगे। ये आप तीन तीन यूनिट की गल की है, पर जो एस आई सिस्टम है ये सैवन यूनिट होंगे। कितने होंगे ये सैवन, एस के सैवन फंडामेंटल यूनिट होंगे है। एस आई सिस्टम सैवन फंडामेंटल यूनिट, तो ये टू होंगे है सप्लीमेंटरी, टू सप्लीमेंटरी यूनिट। हुण कि होंगे आप थोड़ी डिस्कस करने की कोशिश करिए। जो सैवन फंडामेंटल यूनिट है, जो की है सैवन फंडामेंटल यूनिट कि एक कहदे विच है एस आई च होंगे। सब तो पहला लेंथ, ये वास्ते अपने को मीटर, सिंबल अपने को एम है इतने। उस आ गया मास, मास लिए आप लेने किलोग्राम, जब आप लिखते सिंबल कर समॉल की ध्यान देना, जो सिंबल समॉल लैटर ना लिखे समॉल है, कैपिटल है तो कैपिटल लिखना, गलती नहीं करनी। मतलब एम मीटर लिखना तो छोटा एम ही पाना है, समॉल लैटर वड्डा एम नहीं पाना है। उस तो बाद अपने को टाइम, टाइम वास्ते की होंगे अपने को सैकेंड लिखते अपना छोटे एस नाल। उस तो बाद टेंपरेचर, टेंपरेचर मैं शॉर्ट लिखे तो ये वास्ते जो लिखी है केल्विन, कैपिटल के ना लिखने अपना। फिर आए अपने को इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये यूनिट की होंगे एम्पीयर, आप लिखते कैपिटल ए नाल। उस तो बाद आ गया अपने को ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट लिए यूज होंगे, लाइट की इंटेंसिटी होंगी वो ये वास्ते आप की है यूनिट कैंडला, तो सिंबल की है सीरो। अगे आ गया अपने को अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस इन आप लेते हैं मोल, यूज करते हैं मोल या शॉर्टकट करते हैं एन ओ एल ही पा देने पहला एन ओ एल। ये सारे यूनिट है, इन्हों आप जिमें जिमें लोड पैंती है उमें वरतते हैं। ये सारे सैवन यूनिट की है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन, सैवन फंडामेंटल यूनिट है। ये दो सप्लीमेंटरी यूनिट होंगे है, कि होंगे है दो सप्लीमेंटरी, ये फंडामेंटल यूनिट है, दो सप्लीमेंटरी यूनिट है। जी यूनिट टू सप्लीमेंटरी
यूनिट्स, नंबर वन रेडियन, रेडियन की है ए यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, कोण जिहड़ा आपां हुण तक छुट्टियां क्लास में पढ़ते रहे कोण, सठ का कोण, सत्तर का कोण, नब्बे का कोण, तो ये पर वो एस जो डिग्री से मिलते हैं, पर 90 डिग्री, 100 डिग्री, वो डिग्री है जरा एसआई सिस्टम पे नहीं होता। एसआई सिस्टम से मेजर करना तो अपने को यूनिट की है एंगल का रेडियन, तो इन आप लिखते कहते आर ए डी रेडियन, रेडियन होंगे कितने बराबर। जो आप मेजर करना हो देखो इधर जो लिखना एक लोड पैंती है कई बार अपने को आर्च है एक ये चाप, आर्च मतलब जो आप कहने से चाप पंजाबी कहने हैं, आ एंगल थीटा है जो आप इतों लाइक के प्रकार घुमाइए ठीक है, चक्कर पूरा भी ला सकते हैं, तो आ लाइन किन्ने एंगल तक गई एंगल थीटा तक, जे आप थीटा में इतों मेयर करना हो आप थीटा कितने बराबर लिखते हैं एल अपॉन आर, यानी कि लेंथ आर्च की चाप, लेंथ ऑफ आर्च की चाप की लंबाई के बटे आर अर्थ व्यास, चाप का अर्थ व्यास है जिन्ना आप अर्थ व्यास लैके प्रतार्थ के चक्कर लाए, एक ही अपने को एल बटे आर अपने को होंगे है एंगल थीटा इन रेडियन, कहदे विच है रेडियन से जो आप लिखना हो जो अपने को एल बराबर आर, मान लो बाई चांस आप चाप की लंबाई इन्नी रहने कि एल तो आर बराबर हो गए, तो थीटा कितने बराबर होगा एल, क्योंकि एल तो आर बराबर आर थे एल पा दिए कट के एक रेडियन, तो जो एल तो आर बराबर हो गए फिर जिन्ना एंगल आता अपने को होगा वन रेडियन। हाँ एक गल ध्यान रखने वाली है, आप 180 डिग्री बराबर था पाई रेडियन, 360 डिग्री फिर कि हो गया 2π रेडियन, इस तरह आप 90 डिग्री फिर कि हो गया π/4 रेडियन, ये सारे प्लेन एंगल है कि भी हो सकता प्लेन एंगल, पाई का मुल आप वैसे नोट करते हैं 2π/7 लेने होंगे हो गई है, तो इस तो बाद आ गया अपने को पहला सप्लीमेंट्री यूनिट है, दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट अपने को नंबर दो दे सभी रेडियन, ये यूनिट है एक ही है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, अज तक थोड़ा तो एंगल नाल तो वाह पे कोण नाल तो वाह पे पर आह ठोस एंगल या सॉलिड एंगल नाल थोड़ा कदे वाह नहीं पिया गया, एक कदों होंगे जे आप चक्कर लाने हैं जे एक चाप में घुमाने हैं ये की है सफीयर की गल करते हैं, किस ये जरा एंगल है किसी सरफेस द्वारा बनाया गया, मान लो अपने को है आ कोई सफीयर का हिस्सा है वह आप एरिया लेने जरा हाँ आ एरिया जी हूँ इतने ये आ चाप नहीं आह एरिया जरा यह एरिया इस पर कि एंगल बना रहा है, जिमें आप शंकू लीए शंकु बनाने इस तरह की आप शेप आ गई जिम्मे आप कह दिए, तो आह देखो आ जो एंगल बनता है इतना एक ही अपने को सॉलिड एंगल, जो आ सरफेस ए की है एरिया आ की अपने को मैं पूरा देना सरफेस एरिया आ सरफेस एरिया रेडियस आर है, तो ओमेगा कितने बराबर है ओमेगा बराबर अपने को जरा सरफेस एरिया सरफेस एरिया डिवाइड बाई सॉल डिवाइड बाई स्केयर ऑफ द रेडियस की है रेडियस का स्केयर या ओमेगा इक्वल टू एस अपॉन आर स्केयर, तो जेकर सरफेस एरिया आर स्केयर के बराबर आ जाए जहाँ आप मान लीए आर भी एक रह लीए तो एस भी एक हो इस तरह की गल आ जाए तो यह की है वन स्टेडियन आ जाऊँगा, तो ये वास्ते जो यूनिट यूज करते आप सिंबल सिंबल ये वास्ते यूज करते हैं एस आर स्ट्रेडियन वास्ते एस आर यूज करते हैं सिंबल, तो ये अपने यूनिट है जिहड़े आप यूज करने हैं, इस तो बाद अगे चलेंगे जो डिमेंशन डिमेंशन का फिजिकल क्वांटिटी करना है वो आप नेक्स्ट करा इस तो बाद, मैं लगता है तुम समझ आया मैं, थैंक यू।